थार डेजर्ट, जो इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में पड़ता है। थार की रेत दूर दूर तक फैली हुई है। ये रेत कभी सोने जैसी चमकती है तो कभी चांदी जैसी। यहाँ के सख्त मौसम में भी यहाँ के लोग खुशी से मिलजुल के रहते हैं और यही खुशी महसूस करने के लिए हम यहाँ आए हैं। थार डेजर्ट जो राजस्थान के जैसलमेर में है, जैसलमेर जिसे गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, यहाँ हम 2 दिन के लिए आए हैं और 2 दिन में जैसलमेर हमें कुछ इस तरह दिखा। तो जयपुर का ब्यूटीफुल सनसेट देखने के बाद थोड़ा रेस्ट करके, डिनर करके, फिर हम लोग रात के 3 बजे निकल गए जैसलमेर की ओर। जैसलमेर आप चाहे तो बस से भी जा सकते हैं, उसका खर्चा बहुत ही कम होगा। ये चलो राजस्थान की गलियों में मनीषा दत्ता चलाती हुई गाड़ी, ओ माय गॉड, अच्छा और क्या हो सकता है। हम लोगों को एक्सप्लोर करना था, सिर्फ घूमना नहीं था, इसलिए हम लोगों ने कार चूज किया और इसके वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमको पे करना पड़ा। और थोड़ा टाइम है, हाफ एन आवर आई गेस, हाफ एन आवर बाद हम जैसलमेर पहुंच जाएंगे डेजर्ट कैंप में। यहाँ पे एक बात माना जाता है कि यहाँ ऑपोजिट में जीरा खेती है, तो वहाँ पे अगर औरतें ज़्यादा मेकअप करके जाते हैं, औरतें अगर ज़्यादा मेकअप करके उस खेती में जाते हैं तो फिर खेती जल जाता है, बर्बाद हो जाता है। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन अभी मुझे पता चला तो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। यहाँ मानते हैं ये रहा जीरा खेती, यहाँ अंदर मेकअप करके नहीं जा सकते। जैसलमेर वॉर म्यूजियम, तो चलते चलते हम लोग पहुंच गए जैसलमेर सिटी और जैसलमेर सिटी से कैंप था 30 किलोमीटर और दूर, मतलब पाकिस्तान बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर था हमारा कैंप। और कैंप साइट जाने के टाइम हमने देखा ये सारे गोल्डन कलर के घर। एक्चुअली ये कलर किया गया नहीं है, यहाँ के जो पत्थर से घर बनाया जाता है वही पत्थर नेचुरली गोल्डन कलर का होता है। और फिर हम लोग पहुंच गए साम ड्यून्स, जिसके लिए हमने इतना वेट किया। और फिर हम लोग हमारे कैंप पहुंच गए और फिर जो धमाकेदार जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ उसका तो क्या ही कहना, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप सब खुद ही देख लीजिए। यहाँ मैं आप सबको बता रही थी कि बालों का सत्यानाश करना चाहते हो तो जी सफारी में बाल खुले रखे आइए। सनसेट देखने के बाद हम लोगों का जो वेलकम किया गया हमारे कैंप में, वो देख के तो भाई मन खुश हो गया। नमस्ते
एंड वेलकम टू माय चैनल। और इसके बाद हुआ इवनिंग को प्रोग्राम, जहाँ पे यहाँ के जो क्लासिकल और यहाँ के जो कल्चरल फॉर्म्स थे डांस के, गानों के, वो सारे हमने सुना और उसका थोड़ा थोड़ा झलक मैं यहाँ पे आप सबको दिखा देती हूँ। और उससे पहले हम लोग कर लेते हैं हमारा रूम टूर। तो ये है हमारा रूम जो हमें मिला है 3500 में फॉर 2 पर्सन। और इस 3500 में बहुत कुछ इंक्लूडेड है, जैसे कि कैमल राइड, जिप सफारी और ब्रेकफास्ट, डिनर, और हमें अभी जो प्रोग्राम के बीच हमें चाय नाश्ता मिलेगा वो भी इंक्लूडेड है। तो बाहर चलते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है और प्रोग्राम कैसा होता है। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा डांस मस्ती भी किया, इसीलिए ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आप सबको कैंप का नाइट व्यू कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का आप स्काई देख सकते हो, इसका कलर टोटली डिफरेंट हो गया है। एक्चुअली यहाँ पे जितना रात हो रहा है ठंड उतना ही बढ़ रहा है। बस ये इवनिंग नाश्ता, मजा आ जाएगा। इरादे लाखों बन अरे छुरी छुरी और यहाँ हम आ गए डिनर करने, जहाँ पे है कटे की सब्ज़ी, मटर पनीर, दाल, चावल और सलाद, जो हमें बहुत ही पसंद आया। और हम लोग बहुत टायर्ड हो गए थे इतना डांस वांस करके। खाना खा के जैसे ही बेड में गए तो भाई जन्नत मिल गया हमें, क्योंकि इतना टायर्ड हो गए थे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और इस टेंट में हमारा वन नाइट हो चुका है।
बोलो गुड मॉर्निंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश. गुड मॉर्निंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश. वाओ. और गुड मॉर्निंग फ्रॉम असम. क्या खाया? कुछ खाया? तो ये वाला नजारा पीछे फोगे फोगे और याद है आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. इतना ब्यूटीफुल मॉर्निंग. अब मुझे खोलना पड़ता है इसको क्लिक करने के लिए, इसलिए वन हैंड में ग्लव्स नहीं है और मेरा वो हाथ पूरा सुन्न हो गया है, एकदम से सुन्न. हाँ जी, द मसकली वाइब्स. मसकली वाइब्स दी मसकली वाइब्स. कल से बना रहे हैं. हाँ जी, आप भी आ जाइए थोड़ा सा. भैया ने सब्सक्राइब कर लिया. भैया ने भी सब्सक्राइब कर लिया. आप लोग जरूर करना सब्सक्राइब, ठीक है. पोहे आ गए हैं और इसमें है उपमा. तो मैं प्लेट में बहन के लिए भी लेके जाती हूँ. तो मेरा प्लेट रेडी है, मैं अभी देती हूँ. ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं जल्दी जल्दी रेडी होके मैं निकल गई क्योंकि मेरी बहन को थोड़ा सा और टाइम चाहिए था. तो सोचा क्यों ना बाहर विटामिन डी ले लिया जाए क्योंकि उस टाइम धूप बहुत ही मीठा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था. जाएंगे ना? 10:30 हो गया है, ठंडा ख़त्म ही नहीं हो रहा है. बहुत ठंड लग रहा है, बहुत ठंड. हम लोग से ऊपर नहीं मैं रिकॉर्ड कर सकती, सॉरी. तो आप सबको मेरे स्माइल से ही मेरे खुशी का पता चल रहा होगा क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा वार्तालाप करने के बाद 2000 के जगह 1000-1000 में दो बाइक राइड करने का फाइनल कर लिया. बात करने के बाद मुझे समझ में आया कि यहाँ पे हम लोग जो इतना मस्ती करते हैं वो मस्ती हमारे लिए होता है, लेकिन जो लोग वहाँ पे डेली बेसिस में रहते हैं उनको बहुत ही दिक्कत होता है, बहुत सारा दिक्कत होता है. आशा करती हूँ गवर्नमेंट जल्दी सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल लेंगे. और उसके बाद भैया ने हमें बहुत सारा फोटोज़ वीडियोज़ बना के दिया जो सब आप सबने देखा ही है और एक्स्ट्रा से रील में भी आप सबको देखने को मिलेगा. और रील सारा इंस्टाग्राम में भी मिलेगा और मैं यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस में भी डाल दूँगी. तो आप सबको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को. आ गए हैं और कितना मजा आ रहा है, इतना मजा आए रे. दुनिया डेरी मिल के बन जाए, डेरी मिल का हो समंदर और मैं कूदूं उसके अंदर. डेरी मिल का शार्क हमको खाने आए, डेरी मिल से जी ललचाए. मैंने डेरी मिल का ये गाना जो बचपन में सीखा था तो मैंने अभी बोल दिया. तो हम लोग बड़े हुए हैं बॉलीवुड देख देख के, तो बॉलीवुड का कुछ झलक अभी आप सबको देखने को मिलेगा क्योंकि ये जगह बेस्ट है बॉलीवुड सॉन्ग के लिए. मैंने उसके जहर को तोड़ा, दिल में उसको तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल.
जो ना करना था कर डाला फिर भी। मैंने उसके शहर को तोड़ा, उसके गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। जो ना करना था कर डाला फिर भी याद उसी को करता है ये दिल, ये दिल दीवाना। ऐसे रेत में मस्ती या खेलने के टाइम बहुत ही सावधान होना चाहिए, क्योंकि रेत में टूटे हुए बॉटल्स बहुत सारे गिरे हुए रहते हैं, इससे आपको चोट भी लग सकता है। बच गए, हाँ मैं जिंदा हूँ। जा रहे हैं हम लोग नीचे, जय जवान जय किसान, रेडी 1 2 3। तो फिर रेडी हो गए कैमल की सवारी करने के लिए, क्योंकि ये है फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब ये पैकेज के अंदर इंक्लूडेड था। ऊंट पे बैठे हैं हम लोग। अरे ऊंट में कमर दुख जाता है भैया, एक्सपीरियंस नहीं अच्छा। नजारा बहुत सुंदर है भैया। तुम्हारे लिए घोड़ा नहीं बनेगा राजू, गो गो बोले। ओए नहीं 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 राजू, राजू सीरियस हो गए, राजू राजू भैया राजू सीरियस हो गए। नहीं 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 दौड़ना नहीं है घोड़े के जैसे राजू। हम लोग बेटा हम लोग घर नहीं जा पाएगा भैया। राजू बेटिया राजू कैमल राइड हो गया। हाय ऋतिक रोशन, इनका नाम है ऋतिक रोशन, और राजू के साथ जिनकी हमारी सवारी की थी ये है राजू, इनका नाम है राजू। हाय बोलोगे? तो फाइनली बहुत दिनों के बाद खेल कूद करके बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा आया यहाँ पे, लेकिन उसके बाद जाने का टाइम भी आ जाता है। तो उसके बाद हम रेडी होके थोड़ा सा फ़ोटोशूट करके और फिर हम गए किले देखने। एक्चुअली हमें बहुत लेट हो गया था वहाँ पे, इसीलिए जैसलमेर हम ज़्यादा घूम नहीं पाए, डायरेक्टली जैसलमेर सिटी गए पटवा की हवेली देखने। और ये पटवा हवेली बनाया गया है 19th सेंचुरी में, और ये 5 हवेली एक साथ एक जैसा बिल्कुल एक जैसा बनाया गया है, ताकि किसी के साथ भी नाइंसाफी ना किया जाए। एक्चुअली यहाँ के जो राजा थे महाराजा गुमान सिंह पटवा, उनके 5 वाइफ थे, तो 5 वाइफ के लिए 5 हवेलियाँ बिल्कुल एक जैसे बनाया गया था, ताकि किसी तरह का संकोच ना रहे। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं इसका
ब्यूटीफुल नज़ारा। एक्चुअली ये बहुत ही फेमस है इसके इंटीरियर के लिए, इसके जो गोल्डन जो डिज़ाइंस बनाए गए हैं अंदर उसके लिए। तो चलिए सारी बातें मैं नहीं बोलूँगी, आप खुद ही देख लीजिए। और यहाँ के जो रखे गए कपड़े हैं ये सारे उन दिनों के रानियों के कपड़े होते थे। और आप देख सकते हैं इन पुतलों को कितने सुंदर तरह से सजाया गया है, ये सारे कपड़े उन्हीं दिनों के हैं। और ये रहा रानी का ड्रेसिंग टेबल जहाँ पे रानी सजती थी। और फाइनली हम पहुँच गए हैं राजा के शयन कक्ष में, मतलब राजा के पर्सनल रूम में। और पटवे की हवेली से निकलते ही आप सबको देखने को मिलेगा ये सारे सुंदर सुंदर घर जो एक तरह के एक ही पैटर्न में बनाया गया है। इसी वजह से ये सारे जगह और भी ब्यूटीफुल लगने लगा है। और यहाँ के हर एक घर के लोग अपने ही घर में बैठ के लहंगा चोली, कारपेट और बहुत तरह के ज्वेलरीज बनाते हैं। और आप अगर देखना चाहें तो आपको दिखाएंगे और आप परचेज भी कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे हाथ का बनाया हुआ है इसीलिए थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा रहता है। और मैं यहाँ पे तो बताना ही भूल गई कि पटवे की हवेली में एंट्री फीस है 100 रुपीज़ पर पर्सन। और इसके बाद हम डायरेक्टली गए जैसलमेर का फेमस फोर्ट देखने के लिए जहाँ पे आज भी 3000 लोग रहते हैं। जी हाँ, उस फोर्ट के अंदर आज भी लोग रहते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए डायरेक्टली चलते हैं और वहाँ के लोगों से भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं। तो आप सबको तो बाइक आते जाते दिख रहा होगा। एक्चुअली इस रास्ते से बाइक, ऑटो, साइकिल सब कुछ आना जाना चल रहा है क्योंकि यहाँ पे लोग रहते हैं। और आसपास आप देख सकते हैं उनके अपने शॉप्स जहाँ पे हैंडमेड चीज़ें बिक रहे हैं। हाथ का काम है, हाँ, कितना बारीकी है वो देखो, कितना सुंदर है। वाह, नहीं वो पटवारी की हवेली में ऐसा ही बेड पे बिछाया हुआ था, मतलब राजा लोग ये इसी पे सोते थे। पूरा मोहल्ला मोहल्ला उनका ही मतलब था। कितना सुंदर है रात में, 500 ऊपर है ना, 200 फुट पहाड़ी है ऊपर, 200-250 किला एंड उधर चांद। ओए बहुत सुंदर है, कैनवास के ऊपर, वेलवेट के ऊपर नीचे। हाँ ये वाला उधर भी देखा मैंने, कितना सुंदर लग रहा है इसके लिए, मतलब वो ये कलर का ही कमाल है, मतलब पूरा रेडियम वाला इफेक्ट दे रहा है। हाँ, गोल्डन विला होमस्टे, मतलब यहाँ भी रह सकते। अगर आप इस किले के अंदर रह के यहाँ का वाइब लेना चाहते हैं तो इस होम स्टे का नंबर नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ कॉल करके आ सकते हैं। तो कितना पतला रास्ता है, ऊपर कैसे जाएंगे आप? ऊपर ही, इससे ऊपर आप कोर्ट के ऊपर ही चल रहे हो। आप जब नीचे खड़े होके देखोगे ना तो आपको लगता है कि बहुत ऊंचाई पे है, लेकिन आप ऊंचाई पे ही चल रहे हो, मतलब। ओ अच्छा, ये थोड़ा डिफरेंट है। वाओ, ये कैसे दिया?
अच्छा ये पड़ेगा सब अलग अलग कॉस्ट में, जितना आप वर्क लेंगे ना उसके। इसका कैसा रेंज है? ये 2000 रुपए का। ओह ये एकदम सिंपल है, इसमें वर्क है ही नहीं। सिल्क है ना। अच्छा सिल्क के वजह से प्राइस है। क्यूटी पाई, ओ माय गॉड, इतना क्यूट कैसे कोई हो सकता है? हैं कब आए? आप कब आए? आप दोनों कितने क्यूट हो, नहीं हो? बहुत क्यूट हो आप दोनों। अच्छा है भाई, अच्छा है। झगड़ा करते तुम? मत करो झगड़ा, मत करो, इतना छोटी। ओ लो 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 लो, हम लोग लेके चले जाए। आओ लेके चले जाए। वो ये तार क्या है, किसका तार है? ऐसे ही अच्छा तो ठीक है। डर गए आप? अच्छा अच्छा अच्छा, ये भागेगा, मम्मी को देख लिया ना, भागे। टाटा। जैसे ये ब्राइड ग्रूम, मतलब जैसे ऊपर ग्रूम का नाम है, ठीक है, तो ये घर उनका है, पहले उनका नाम आएगा। अच्छा। नीचे ब्राइड का, ऊपर जो है वो उनकी जो फैमिली है। लोग यहाँ पे मतलब रजवाड़ों के खानदान से ही है, तो फिर ये किला जिन राजा का। अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप कहाँ से? हम लोग असम से है, असम गुवाहाटी। हमारा भी घर नीचे है, रेंट पे दिया हुआ है, एक ऐसा इनकम सोर्स हो गया। अभी रहना यही पसंद करते हैं, सेफ को बंद नहीं होते, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, पुरानी परंपरा, और यहाँ पर रहने की अलग ही है भाई। अब नीचे हम रह सकते हैं। हाथ सीखने की सिकरी, हम सोचे सिकरी इवन सिटी गए, इवन सिटी गए, इवन हिली के। ओह माय गॉड, ये कितना है? एक्चुअली यहाँ पे जब भी शादी होता है तो इस तरह से वॉल में प्रिंट कर दिया जाता है, और इसका मतलब है आप सब इनवाइटेड है, मतलब हम भी जा सकते हैं, वहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। है ना बहुत इंटरेस्टिंग, जहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है वहाँ पे ऐसे हैंड प्रिंटेड इन्विटेशन कार्ड दिए जा रहे हैं आज भी। सच में बहुत ही अच्छा लगा ये राजस्थान मुझे। तो फिर हम चलते चलते, यहाँ पे हाफ एन आवर हो गया है और हम लोग पहुँच गए हैं रूफ टॉप पे, तो रूफ टॉप से व्यू आप खुद देखिए। और फिर रूफ टॉप से हम लोग डायरेक्टली आए नीचे और यहाँ किया डिनर। एक्चुअली बहुत भूख लगी थी और बहुत ही टेस्टी और कम प्राइस में हमें यहाँ खाना मिला, और ये वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, आप सब यहाँ खा सकते हैं। और खाना खाने के बाद और फिर ये क्लिप आप सबके लिए मैंने स्पेशली बनाया है, मतलब नीचे से ऊपर का व्यू और ऊपर से नीचे का व्यू। तो आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद हम लोग अलविदा कह के अपने घर रिटर्न आने वाले हैं। तो ये कुछ दिन हमारा तो बहुत अच्छा गया, हमने बहुत मज़े किए और राजस्थान पूरा देखना नहीं हुआ, जोधपुर और कुछ कुछ जगह बाकी रह गया जो हम नेक्स्ट टाइम किसी ट्रिप में पूरा करेंगे। नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि जाते वक्त दो बैग और आते वक्त इतने सारे। जी हाँ, मैं आप सबके साथ मेरे शॉपिंग्स भी शेयर करूंगी, लेकिन दूसरे ब्लॉग में, नहीं तो ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और राजस्थान सिर्फ वहाँ ख़त्म नहीं हुआ, ये एयरपोर्ट में भी यहाँ के कारीगरी, यहाँ के पेंटिंग आप देख सकते हैं कितना सुंदर तरह से ये एयरपोर्ट सजाया गया है। जैसे कि हमारा कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो हम कोलकाता पहुँचते ही वाव मोमो पे टूट पड़ते हैं क्योंकि बहुत भूख लगी थी, और फिर हमें पता चला कि फ़्लाइट कैंसिल होने का चांसेस है बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। बस हम लोग क्या भगवान से प्रे करते रहे और फिर 7 बजे हमारा टेक ऑफ हुआ, और फिर इसके साथ हमें मिला वेज बिरयानी। मैं सच में बोलना चाहूँगी एक बात, मैं वेज बिरयानी कभी नहीं खाया इसके पहले, मतलब बहुत ही टेस्टी था, और उसके साथ जो मिठाई दिया गया था वो भी बहुत टेस्टी था। अगर फ्लाइट डिले होने की वजह से इतने टेस्टी खाना मिलता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पहुँच जाए हम अपनी जगह पे। घर वापसी का टाइम है। तो आज का ये ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, और इसी के साथ खत्म होता है हमारा राजस्थान सीरीज। तो आप सबने राजस्थान का एक एक पार्ट देखा है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप सबको कैसा लगा, और अगर आप सबने मिस किया है तो मैं ऊपर पॉपअप कर दूंगी आई बटन पे, और आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके भी देख सकते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट मिलेंगे डेली ब्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। चारों चराग तेरे।
जरा सा तेरा हो गया माल मामर।